यूपी में भीषण सड़क हादसा हो जाने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 2 बैंक के कर्मी भी हैं। इस भीषण सड़क हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो महोबा शहर में संचालित HDFC बैंक में काम करने वाला पवन कुमार सोनी अपने साथी बजाज कंपनी में कार्यरत हिमांशु पाराशर के साथ देर रात बुलेट बाइक में बैठकर जा रहा था। तभी शहर के नरसिंह कुटी मंदिर के पास अचानक खड़ी हुई कार का गेट खोलते ही बाइक कार से टकरा गई और कार से उतर रहा युवक भी बाइक की चपेट में आ गया। इस भीषण सड़क हादसे में कार चालक सहित बाइक सवार हिमांशु और पवन को पुलिस और स्थानीय लोग इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने हिमांशु को मृत घोषित कर दिया। कार चालक राम कृपाल और पवन को इलाज के लिए हायर सेंटर झांसी रेफर किया गया, जहां कार चालक राम कृपाल और पवन की भी मौत हो गई है। बताया जाता है कि कार चालक मध्य प्रदेश के छतरपुर के चौक बाजार निवासी राम कृपाल अपने पिता लल्लू कुशवाहा की अस्थि विसर्जित करने परिवार के साथ प्रयागराज जा रहा था और महोबा शहर में रहने वाली अपनी बहन मालती को लेने के लिए नरसिंह कुटी मंदिर के पास वो कार खड़ी कर जैसे उतरा, तभी तेज रफ्तार बुलेट बाइक ने कार के गेट से टकराते हुए राम कृपाल को अपनी चपेट में ले लिया। छतरपुर से फूल लेने लेके जा रहे थे जे इलाहाबाद, तो बहन रहती है नरसिंह कुटी के पास, तो हमने चलो बहन को भी लुबा ले सब लोगों को, तो सर वहीं खड़े थे बगल में छोटा भाई और एक बुलेट आई जल बहुत स्पीड में थी सर लड़खड़ाते हुए, और हम वहीं सामने खड़े थे रोड के बगल में, भाई को मारते हुए बहुत तेजी से निकल गई। ये विगत रात्रि को थाना कोतवाली में एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसमें 2 लोग मोटरसाइकिल से थे और 1 लोग कार से थे। रामकथा मार्ग पर यह एक्सीडेंट हुआ है। इसमें पंचायतनामा और PM की कार्रवाई कराई जा रही है। मुकदमा दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।